नमस्कार, मैं संबुदा रावल। आज आपको ये द्वितीय वर्ष में हमारा पेपर है हिंदी शिक्षण, इसमें पढ़ा हुआ ठीक है। और आज का प्रकरण है पाठ्यपुस्तक के बाह्य पक्ष। इससे पूर्व हमने पाठ्यपुस्तक के आंतरिक पक्ष पढ़े थे, आज हम पढ़ेंगे पाठ्यपुस्तक के बाह्य पक्ष। तो क्या क्या पढ़ना है पाठ्यपुस्तक के बाह्य पक्ष में, इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे। पहला तो है आवरण, फिर है कागज, मुद्रण, पुस्तक का आकार, साज सज्जा। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे आवरण, जिसको मुख्य प्रश्न भी बोलते हैं। मुख्य प्रश्न, फिर कागज, मुद्रण, पुस्तक का आकार, मूल्य और सारी सज्जा। इन सारे बिंदुओं पर हम जो है विस्तारित पूर्वक चर्चा करेंगे। देखो, आवरण से तात्पर्य है पाठ्यपुस्तक का आवरण कैसा हो, आकर्षक और सुंदर। पाठ्यपुस्तक का जो आवरण है, मुख्य प्रश्न है, प्रथम प्रश्न है, वो अगर आकर्षक होगा, अर्थात बच्चे को देखते ही पाठ्यपुस्तक अपनी ओर आकर्षित करे, और सुंदर सुंदर हो, स्वच्छ हो, ठीक है, ऐसा अगर आग्रह होगा तो इससे क्या होगा, बालक पाठ्यपुस्तक विषय वस्तु में रुचि उत्पन्न करते हैं। बालक पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु में रुचि उत्पन्न करते हैं, कब, जब मुख्य प्रश्न कैसा हो, आकर्षक और सुंदर, ठीक है। अब इसके अलावा जो अक्षर है वो कैसे होने चाहिए, बड़े आकार में होने चाहिए, बड़े आकार के अक्षर। अक्षर भी किस तरह से हो, बड़े आकार के होने चाहिए, ठीक है। ये आवरण मुख्य प्रश्न के अंतर्गत मुख्य मुख्य बातें आती है। इसके अलावा इसके अंतर्गत रंगीन चित्र युक्त विषय वस्तु होनी चाहिए। रंगीन चित्र युक्त विषय वस्तु क्या होता है, अलग रंगीन कलर वाइज, अलग अलग कलर में अलग अलग पर्यावरण की बातें अलग हो, है ना, प्राकृतिक की अलग बातें हो, मनुष्य हो, जानवर हो, तो उनके अलग चित्रों सहित जो है उसमें चित्रांकन किया गया हो, है ना, सजीवता दिखे उसमें चित्र। जब रंगीन चित्र होंगे तो चित्रों में सजीवता दिखती है। इस प्रकार से बालक इसके अंतर्गत आवरण में ये सारी बातें रहती है। इसमें सबसे प्रमुख बात है कि बालक जो है रुचि उत्पन्न करता है, ठीक है। फिर इसके पश्चात हम पढ़ते हैं कागज, अर्थात
कागज के अंतर्गत क्या क्या है? देखो कागज सबसे प्रमुख है, कागज की जो जिंद है वह नवीन होनी चाहिए। कागज की जिंद कैसी होनी चाहिए? नवीन जिंद होनी चाहिए। इसके अलावा आकर्षक और टिकाऊ कागजों का प्रयोग करना। आकर्षक और टिकाऊ पन्नों या कागजों का प्रयोग करना। कागजों का प्रयोग करना। बात साधारण है ना, कागज किस प्रकार का हो। और एक प्रमुख रूप से जो प्राथमिक और उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए प्रमुख रहता है, कक्षाएं हेतु प्रमुख कक्षाएं हेतु प्रमुख रूप से रहता है। प्राथमिक रूप प्राथमिक कक्षाओं के लिए क्यों खास है, प्रमुख है? क्योंकि इस स्तर पर बाल्यावस्था में होते हैं, बहुत छोटे होते हैं और यदि उनका शिक्षा के प्रति आधार बनता है ना, शिक्षा में वो पदार्पण करते हैं, उनके लिए तो प्रथम यही रहता है कि पाठ्य पुस्तक का आवरण कैसा है, इसका कागज कैसा है, कागज अच्छा होगा, टिका होगा, पेज जो इसके अंदर कागज है वो थोड़े मोटे होंगे तो बालक जो इसके अंदर रुचि उत्पन्न करता है, ठीक है, और विषय वस्तु को समझने का प्रयास करता है। और जब शिक्षक अध्यापन कार्य करवाता है तो उसमें जो है विशेष तौर से अपना योगदान देता है, ठीक है। फिर तीसरा है मुद्रण। मुद्रण के अंतर्गत देखो इसके अंदर जो पाठ्य पुस्तक है राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल, राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल यह है जयपुर में, और राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण एवं परिषद राजस्थान राज्य तो यह है एजेंसी, नोडल एजेंसी और एक राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद एक जो संस्था है वो तो पाठ्य पुस्तक के मुद्रण का कार्य करता है, छापने का कार्य करता है, एक जो उसको प्रकाशन का कार्य करता है। यह SIERT, ठीक है, यह क्या करता है, यह जो इसको प्रकाशन का कार्य करता है अर्थात उसको अन्य नोबेल स्तरों तक पहुंचाने का कार्य करता है, ठीक है।
तो अब पाठ्य पुस्तक मंडल है, मुद्रण का कार्य तो इसने किया और प्रत्येक नोडल स्थान तक स्कूलों तक बालकों तक पहुंचाने का कार्य इस संस्था ने किया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि मुद्रण हो चुका तो जो इसने छापी है पाठ्य पुस्तक को इसने वितरण किया है, तो इन दोनों संस्थाओं का एक कर्तव्य बनता है कि पाठ्य पुस्तक मुद्रण में ज़्यादा खर्चा ना आए। सबसे महत्वपूर्ण बात है खर्चे या मूल्य, अर्थात किसी भी पाठ्य पुस्तक का मूल्य 25-35 रुपए तक अगर होगा तो जो है किसी भी पाठ्य पुस्तक को बालक आसानी से उसको परचेज कर सकता, खरीद सकता है ना। तो इसमें ये ध्यान रखा जाता है मुद्रण में, जो पाठ्य पुस्तक का मुद्रण हो चुका है तो बालकों तक पहुंच सुनिश्चित होनी चाहिए, प्रत्येक बालक तक जो है पाठ्य पुस्तक की पहुंच हो। ठीक है, पुस्तक का आकार, देखो कई बार क्या होता है पुस्तकें बहुत आकार में छोटी होती हैं, कुछ पुस्तकें विस्तार दिए होती हैं, लेकिन जो मूल पुस्तक का आकार है यह पुस्तक का आकार जो है सार्थक है। इस आकार की लगभग पुस्तक होगी तो हम जो है बालकों में रुचि उत्पन्न करवा सकते हैं। यह आकार जो है ना ज्यादा छोटा है ना बड़ा, ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है पुस्तकें इतने साइज की भी होती है जो बालक के अनुकूल नहीं है, और कुछ पुस्तकें जो है इस आकार की भी होती है ना। आप देख रहे होंगे लगभग 1.5 फुट का आकार है, इतनी पुस्तकें भी काम की नहीं, बालकों के लिए बिल्कुल छोटी पुस्तकें भी काम की नहीं है। बालक के लिए जो आदर्श पुस्तक है, आदर्श पुस्तक का आकार यह मान लिया है, यदि बालकों को जो है आकर्षक नहीं तो उत्पन्न करवा सकता है, यह भी पाठ्य पुस्तक का आकार बालकों को आकर्षित उत्पन्न नहीं करेगा। ठीक है, आकर्षक लगभग 8 इंच और यह जो है फिट तक की जो है इसका साइज सफिशिएंट रहेगा। ठीक है, मूल्य ये बता चुका, ज्यादा मूल्य ना हो ताकि जो है मूल्य सभी बालकों तक पहुंच। पाठ्य पुस्तक का मूल्य बालकों तथा अभिभावकों के पहुंच अभिभावकों अभिभावकों के लिए सामान्य कीमत वाला होना चाहिए। सामान्य कीमत वाला अगर होगा तो उसे जो है बालक आसानी से उसको खरीद सकते। ठीक है, फिर तीसरा छठा है साज सज्जा। देखो साज सज्जा पुस्तक को फटने से बचाने
के लिए विद्यार्थियों से अपेक्षा रहती है कि पाठ्यपुस्तक को फटने से बचाने के लिए विद्यार्थियों से अपेक्षा रहती है कि वे पाठ्यपुस्तक की साज सज्जा बनाए रखें। वे पाठ्य पुस्तक की साज सज्जा बनाए रखें। साज सज्जा बनाए रखें। कहते हैं छोटे बालकों को घर में जब पढ़ते हैं तो उनके अभिभावक कहते हैं या भाई छोटा छोटे भाई को बड़ा भाई या बड़ी बहन कहती है कि आप जो पिता की साज सज्जा रखो, अर्थात पिता पानी में ना भीगे, है ना, इसे जो है काटे ना, या किताब के अंदर अनावश्यक पेंसिल या पेन से जो उसके अंदर अनावश्यक लाइनों तो ना खेचा जाए, इस प्रकार की बातें इसमें आती है साज सज्जा में, क्योंकि पाठ्यपुस्तक यथावत रूप में बनी रहे जैसी मूल रूप में है तो साज सज्जा के अंतर्गत ये बातें रहती है। अब जो पाठ्यपुस्तक के बाएं पक्ष के बाद हम पढ़ते हैं पाठ्यपुस्तक के दोष। पाठ्यपुस्तक के पक्षों में ही आता है पाठ्यपुस्तक के दोष। पाठ्यपुस्तक का दोष क्या है? सबसे पहले है पाठ्यपुस्तक का निर्माण शिक्षण विधियों के अनुरूप ना होना। पाठ्यपुस्तक का निर्माण शिक्षण विधियों के अनुरूप ना होना। ये तो इसका प्रमुख दोष है। पाठ्यपुस्तक का निर्माण या पाठ्यपुस्तक इसका निर्माण शिक्षण विधियों के अनुरूप ना हो। फिर कई बार क्या होता है, प्रशिक्षण के द्वारा अध्यापक जो है प्रमुख शिक्षण विधियों को जान लेता, समझ लेता, लेकिन पाठ्यपुस्तक में विषय वस्तु ऐसी रहती है कि उसमें उचित शिक्षण विधियों का उपयोग किया ही नहीं जा सकता है। उचित शिक्षण विधियों का प्रयोग करते हुए बालकों को अध्ययन अध्यापन कार्य करवाया जाए तो यह जो है इस दोष का निवारण ऐसे दूर हो सकता है, लेकिन इसका दोष यह है इसमें शिक्षण विधियों का के अनुरूप पाठ्यपुस्तक को नहीं जो है छापा जाता, नहीं मुद्रण किया जाता। ठीक है, अब देखो पाठ्यपुस्तक में पाठ्यपुस्तक बालकों की आयु वह स्तर के अनुसार ना होना। पाठ्यपुस्तक बालकों की आयु व स्तर के अनुसार ना हो। देखो हम जो है हमारे आस पड़ोस में हमारे स्वयं के घर में हम देखते हैं कि आजकल जो जब से राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2009 आया और आरटी 2000 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 और आरटी
टाइप टू एजुकेशन 2009 जब से आया है तब से हम ये देख रहे हैं कि विद्यालयों में जो पाठ्य पुस्तक है वो कक्षा प्रथम में पढ़ने वाला बालक, कक्षा में छह पढ़ने वाला बालक या कक्षा नौवीं में पढ़ने वाला बालक हो या दसवीं में पढ़ने वाला बालक हो, कक्षा छह में पढ़ने वाले बालक के लिए कक्षा नौ कक्षा दस जैसी विषय सामग्री उसमें दे दी जाती है, उस पाठ्य पुस्तक में विषय सामग्री का समावेश कर दिया जाता है। इससे यह होता है कि जो निम्न स्तर का बालक है जिसकी बुद्धि वृद्धि कम है जिसकी आयु कम है वो जो है इतने कठिन विषय वस्तु को समझ नहीं पाता है, ठीक है। तो यह जो है प्रमुख दोष रहता है, पाठ्य पुस्तक बालकों की आयु को स्तर के अनुसार नहीं रहता है। फिर है भाषा शैली की जो है आयु के अनुसार ना होना, भाषा शैली भाषा शैली भी आयु व मानसिक स्तर के अनुसार ना होना। ठीक है, तो यह जो है इसके अंदर दोषों के अंतर्गत आता है। फिर और हम इसमें दोषों की बात करें तो एक प्रमुख दोष है चौथा दोष पाठ्य पुस्तक में है ना, यानी इसमें उचित उदाहरणों उचित विषय वस्तु से संबंधित यथा स्थान समुचित उदाहरणों का अभाव पाया जाता है, इसमें अर्थात पाठ्य पुस्तक में उचित विषय वस्तु जो विषय वस्तु रखी गई है उससे संबंधित यथा स्थान अर्थात जैसे विषय वस्तु उसके यथा स्थान यानी उसी स्थान पर है ना समुचित जैसा उचित है उदाहरणों का अभाव पाया जाता है, अर्थात उसके अंदर जो उदाहरण दिए जाते हैं वो संबंधित विषय वस्तु से संबंधित होते ही नहीं, यह पाठ्य पुस्तक का जो मुख्य दोष रहता है। ठीक है, आगे है पाठ्य पुस्तक हेतु सुझाव। पाठ्य पुस्तक हेतु सुझाव क्या रहेंगे, तो इसमें सुझाव ये है पाठ्य पुस्तकों का राजकीय उत्पादन होना चाहिए, पाठ्य पुस्तकों का राजकीय उत्पादन अर्थात ज्यादातर जो विषय वस्तु है वो संबंधित राज्य से संबंधित उसके अंदर विषय वस्तु होनी चाहिए, जैसे राजस्थान के प्रमुख कवियों के लेखों को संबोधित करना के प्रमुख एवं
लेखकगण के लेखों को सम्मिलित करना, लेखों को सम्मिलित करना, ठीक है, ये सुझाव है कि पाठ्य पुस्तक में ऐसा होना चाहिए। इससे ये होगा कि स्थानीय जानकारी, प्रदेश से संबंधित जानकारी बालकों को प्राप्त होती है। फिर दूसरा सुझाव है, प्रत्येक वर्ष पाठ्य पुस्तक में परिवर्तन होना चाहिए, पाठ्य पुस्तक में परिवर्तन अपेक्षित है, परिवर्तन होना चाहिए, ठीक है, परिवर्तन होता रहेगा तो जो नवीन बालक है, जो विषय वस्तु से प्रथम बार जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, उनके लिए प्रथम बार होनी चाहिए। नहीं तो कई बार क्या होता है, उसे पूर्व जो बालक पढ़ते गए उनको सारी विषय वस्तु से अवगत करा देते हैं, तो इससे बालकों की जो मूल विषय वस्तु से जो संपर्क होना चाहिए वो उत्पन्न नहीं हो पाता है। इस प्रकार से आज हमने पाठ्य पुस्तक के बाइपक्स, जिसमें कुछ दोष और सुझाव के बारे में जानकारी प्राप्त की, और इससे संबंधित आपके लिए गृह कार्य है। पाठ्य पुस्तक के प्रमुख बाई पक्षों का वर्णन करो, बाई पक्षों का वर्णन करो, ठीक है, यह आपके लिए रहेगा। जैसा कि आपको अच्छी तरह मालूम है, कोरोना महामारी में अपने आप को बचाकर रखिए, मुंह पे मास्क लगाइए, हाथ को सैनिटाइज कीजिए, साबुन से धोइए अपने हाथ को और सुरक्षित रहिए, ठीक है, धन्यवाद।